सो हेलो, व्हाट इज अप गाइस, दिस इज योर होस्ट यश, और आज हम आ गए हैं अरे बहुत गया बहुत गया दिया आए लड़के हेलो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज योर होस्ट यश, और आज हम आ गए हैं डेथ वैली, जो कि फरीदाबाद की तरफ पड़ती है। ये यहाँ पे फोटोशूट और थोड़ा बहुत घूमने के लिए अच्छी लोकेशन है, तो यहाँ पे लोग आते हैं, व्लॉगर्स आते हैं, बाइकर्स आते हैं फोटोशूट करवाने अपना, और बहुत अच्छी जगह है, हिली एरिया है एक्चुअली यहाँ पे। तो हम भी आज अपना संडे वाले दिन संडेइंग करने आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा रास्ता उबड़ खाबड़ा, रॉकी हिली एरिया है थोड़ा, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर, चट्टाने पहाड़ सब हैं। आप लोग यहाँ पे आएँ तो थोड़ा ध्यान से आएँ, और मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। ये देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हम फोटोशूट कैसे करते हैं, और यहाँ पे सारा कैसा कैसा रहता है। स्टे ट्यून। यहाँ नहाने मत, डूब जाते हैं। नहीं नहाएंगे भाई, हाँ फोटो वोटो खींच लो पहाड़ पे से। यहाँ पर तो गहराई का नहीं पता है ना, कितनी गहराई है। चलिए, हाँ कई लोग डूब जाते हैं। पानी साफ है बिल्कुल, है पानी बिल्कुल पीने वाला है। मच्छी बड़ी बड़ी है, जब आदमी मर जाता है ना उसको खा जाते हैं मच्छी। अच्छा जी, अरे चल तेरा फोटो लूँ। ला, नीचे नहीं जा रहे भाई आप? चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हैं दिन भर घूमते रहे। अच्छा लोकल लाइट हो भाई आप? है भाई, काटे हैं यहाँ पे ध्यान से। तो भाई ये सारे भाई भी आए हुए थे। हाँ भाई, तो भाई क्या गहराई कितनी है इसमें? बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। बोली करता क्या चीज? पहली बार। अरे बहुत गहरी है। इतनी बड़ी बड़ी है ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी देखी है मैंने। वो इधर कितनी सारी आ गई अब यहाँ पे। बा भाई साहब, इसमें कोई नहा सकता पानी पर? खा जाएगी आ रहे तो।
हाँ भाई खानी जाएगी मानी है ना यहाँ। और वैसा यार अंदर पैर मत डालना आगे घुसेड़ दे सिंह। तो जैसे आपने देखा ये है डेथ वैली जो कि फरीदाबाद में एक लेक है। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छा फोटोग्राफी का एक जगह मिल जाएगी। एक यहाँ पे खिंचवा सकते हैं आप फोटोज़, आप यहाँ पे खिंचवा सकते हैं, आप यहाँ पे खिंचवा सकते हैं, आप उस रॉक पे खिंचवा सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे भी बैठ के फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, फोटोशूट्स की अच्छी जगह है ये। बाकी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि यहाँ पे जब भी आप आएँ तो अपने व्हीकल का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे जो आसपास के लोकलाइट्स हैं, जो यहाँ के आसपास के गांव वाले हैं, वो यहाँ पे मतलब बाइक स्कूटी का पेट्रोल निकाल लेते हैं और यहाँ पे चार्जेस भी ले लेते हैं। वो कई बार ना मतलब यहाँ के लोकलाइट बदमाशी करके और दो तीन जने यहाँ पे आते हैं, और जो यहाँ पे बंदा अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है, इन्जॉय कर रहा होता है, उनसे वो थोड़े पैसे वैसे चार्जेस कर लेते हैं, 50-100 रुपये ले लेते हैं पर बंदे से। तो आप इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों को आप प्रमोट ना करें। बाकी आए तो यहाँ पे आए आप 10-12 बंदों के ग्रुप में आए, दो तीन ना आए, जैसे हम दो ही आ गए थे यहाँ पे। तो लेकिन हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भाई हमें तो लॉ की नॉलेज है और तुम्हारा भाई वकील लग जाएगा, तो कानून की नॉलेज होना ज़रूरी है इंसान को। अगर इंसान को कानून की नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आए थे वो भी, जो भी यहाँ का बंदा जो भी पैसे चार्जेस करता है बदमाशी करके, वो आया था, और भी लड़के थे यहाँ पे, उनसे ले गया वो पैसे जो भी है 50-100 रुपये पर हेड, तो 400-500 रुपये ले गया उनसे, बट हमसे नहीं लिए उसने, क्योंकि हम नॉलेज है हमें कानून की और हमें बात करने का तरीका है, थोड़ा हमारे पास शरीर भी हल्का फुल्का, तो इस वजह से। बाकी आप देखिए यहाँ पे आएँ और यहाँ के जो ब्यूटीफुल नज़ारे हैं इनका इंजॉय करें, इन्हें फ़ोटोशूट करें यहाँ पे, और गंदगी ना फैलाएं मेन यहाँ पे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलते हैं। हाँ जी, क्या हाल है जनाब? क्या हाल है? थकान है भाई, हवा टाइट हो चुकी है, थक चुके हैं, बियर गिल्स बन गया भाई हमें। वो कैसे कर लेता होगा भाई वो तो भाई। I'm not training to be a bodybuilder. I'm just training to be a fucking weapon. You guys know this.